हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले तो मेरी तरफ से हैप्पी बसंत पंचमी, आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइज, आप सब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने बसंत पंचमी के लिए लुक क्रिएट किया है और मैंने येलो कलर के कपड़े और येलो कलर की ज्वेलरी वगैरह डाली हुई है। ये दिन माता का दिन होता है, सरस्वती माता का दिन होता है। इस दिन हम व्रत भी रखते हैं और इसीलिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है, क्योंकि हम इस दिन येलो कलर के ही कपड़े पहनते हैं। तो गाइज़, ये काफ़ी लाइट मेकअप है, इसे आप कुर्ती वगैरह, सूट वगैरह जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, और ये काफ़ी लाइट मेकअप है। आई होप आपको ये मेकअप अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। सब्सक्राइब के पास बेल आइकन है, उसे प्रेस जरूर करना, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचेगी। और वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, आपके लिए मैं वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी। और ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले हम लगाएंगे टोनर। टोनर के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ डाबर का गुलाबरी का रोज़ वाटर, और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने लिया है लैकमे का मॉइस्चराइज़र, लैकमे का पीच मिल्क का मॉइस्चराइज़र है, काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइज़र है गाइज़। विंटर्स के लिए भी आप इसे डेली यूज़ कर सकते हैं, मेरा ऑल फेवरेट हो चुका है ये। और अब मैं अपने लिप के लिए ले रही हूँ हिमालय का लिप बाम, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है ये, काफ़ी अच्छा लिप बाम है। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ लोटस की सनस्क्रीन, काफ़ी अच्छी सनस्क्रीन है ये भी गाइस। डे मेकअप है तो हमें सनस्क्रीन ज़रूर लगानी चाहिए अपने फेस पर। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर सनस्क्रीन अप्लाई कर ली है, और हमने नेक पर भी ली है, नेक बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करनी चाहिए। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का हाईलाइटिंग प्राइमर, काफ़ी अच्छा प्राइमर है गाइस, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखना। और ये मैं अपने पूरे फेस पर और नेक पर अप्लाई कर लूँगी, तो हल्के हल्के हाथों से हमें अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मैंने अपने फेस पर जैसे ही अप्लाई किया है मेरे फेस पर एक चमक सी आ गई है। इसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेबलिन की फिट मी का फाउंडेशन, मेरा शेड है 128 गाइज। ये फाउंडेशन काफ़ी अच्छा है, ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है गाइज। ऐसा नहीं है आप ड्राई स्किन वाले हैं तो आप नहीं लगा सकते, आप ही लगा सकते हैं, बट ये ऑयली स्किन वालों के लिए तो काफ़ी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैं भी यूज़ करती हूँ और मेरी ऑयली स्किन है। और यहाँ पर अब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर ले लिया है, ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पानी में डिप कर चुकी हूँ और उसे अच्छे से मैंने पानी को निचोड़ लिया था, उसके बाद मैं अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हमें डैप डैप करके अपने पूरे फेस पर फाउंडेशन को अप्लाई करना है। तो गाइज़, यहाँ पर हमारा फाउंडेशन हो गया है कंप्लीट, और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पर मैंने मेबलिन का फिट मी का ही कॉम्पैक्ट लिया है और मेरा शेड 128 है। तो यहाँ पर मैंने अपने फेस पर कॉम्पैक्ट यही वाला लगाऊंगी, तो आप देख सकते हैं कितना लाइट वेट मेकअप हो रहा है और बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं है। और यहाँ पर मैंने क्रीज लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने ब्राउन कलर लिया है गाइज, जिससे मेरी थोड़ी सी क्रीज लाइन नज़र आए, और क्योंकि येलो कलर काफ़ी लाइट कलर होता है तो नज़र नहीं आएगा। और मैंने थोड़ा सा हल्का लाइट पिंक कलर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर डायरेक्ट येलो कलर अपने आईज़ पर लगा रही हूँ। यह है न्यूगल का आई शेडो साइमर गाइज, मैंने येलो कलर का साइमर लिया है, जो मेरा येलो कलर लगाया हुआ था मैं उसके ऊपर ही अपनी आईज़ पर यह साइमर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी साड़ी में शाइनिंग थी तो इसलिए मैंने साइमर येलो कलर का लगाया है। और इसके बाद मैंने वाइट कलर का साइमर लिया है इसके ऊपर ही। और यहाँ पर मैं आईलाइनर ले रही हूँ, आईलाइनर मैंने हुडा ब्यूटी का लिया है गाइज, मैं हल्का हल्का आईलाइनर ही लगाऊंगी अपनी आईज़ पर। तो देख सकते हैं मैंने हल्का आईलाइनर लिया है, ज़्यादा हैवी नहीं लगाया है। और मैंने ADS का मस्कारा लिया है, और मैंने यहाँ पर ADS की ही आईब्रो पेंसिल ली है, मैं इससे ही अपनी आईब्रो फिल करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रो फिल कर ली है, मैं यहाँ पर अपनी नोज़ को कंटोर कर रही हूँ कंटोरिंग ब्रश की मदद से। तो देख सकते हैं आप मेरी नोज़ थोड़ी पतली नज़र आने लग गई है, और यहाँ पर मैं हल्का अपने चीक को भी कंटोर करा है।
और यहाँ पर मैंने गोल्डन कलर का हाइलाइटर लिया है, और यहाँ पर मैं जो हाइलाइट एरिया है वहाँ मैं अपने फेस को हाईलाइट कर लूँगी। और देखिए यहाँ पर मैंने अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए यहाँ पर स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर लिया है। यह है स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक और इसका शेड है 36, मैरून कलर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर है ये। और सो ये है मेरा फाइनल लुक, तो आप देख सकते हैं। तो ये मैं इयररिंग दिखाना आपको भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर की इयररिंग ली हैं और येलो कलर के ही बैंगल्स हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।